हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर अनुदेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने दो यूनिट यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड समाप्त कर लिया है। और आज हम यूनिट तीसरा यानी थर्ड शुरू करेंगे। यूनिट तीसरा में पहला हमारा टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण में देखिए हमको कुछ ही चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि कोरोना के चलते हमारा सिलेबस 25% कट गया है। इसलिए अगर सिलेबस मिला लेंगे तब भी हमको देखिए इन्हीं तीन टॉपिक को पढ़ना है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि संप्रेषण में हमको क्या क्या पढ़ना है। संप्रेषण में हमको पढ़ना है, पहला है कि संप्रेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा पढ़ना है कि शिक्षण अधिगम में संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। तीसरा है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण को सुनिश्चित करना यानी कि इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इन्हीं तीन हमको टॉपिक को पढ़ना है संप्रेषण के अंदर। संप्रेषण के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी विशेषताएँ हैं, घटक हैं और भी बहुत सारी, उसको मॉडल है संप्रेषण किस किस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस घट गया है 25%, इसलिए संप्रेषण में भी सिर्फ हम ये इन्हीं तीन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात ये आती है कि संप्रेषण है क्या। संप्रेषण जो है वो परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि आप हैं, आपका दोस्त है, आप दोनों लोग कोई भी बात को कर रहे हैं, कोई भी बातचीत कर रहे हैं, वो आप इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, वो आपको दे रहा है, यही कम्युनिकेशन हो रहा है, यही संप्रेषण हो रहा है। सिर्फ इसका यही एक मतलब होता है। देखिए संप्रेषण शब्द आया कहाँ से। कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से बना है, जिसका अर्थ है टू इम्पैक्ट या मेक कॉमन, यानी कि सरल करना, किसी भी चीज़ को सरल करना। ठीक, इसका एक वो उदाहरण हम बता रहे हैं यानी डिफिनीशन है। एमरे ने बताया कि संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। अंग्रेजी में इसको बोले तो कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एमरे और उनके कुछ साथियों ने मिलकर बताया है। देखिए यहाँ पर मैंने दो और परिभाषा लिखा हूँ, इनको देख लेते हैं। इनके अनुसार ये है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आइडिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू अ रिसीवर विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। यानी कि कम्युनिकेशन यानी जो संप्रेषण है वो प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा एन आइडिया कोई भी विचार ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स यानी जो स्रोत है, जो सोर्स है वहाँ से वो ट्रांसफर होता है टू द रिसीवर, रिसीवर के यहाँ, विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। यानी वो इस इंटेंशन से ट्रांसफर होता है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजे हो। आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ उसको बताते हैं, अगर आप कुछ बोलें, उसको कोई सूचना दिया तो उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंज होगा। हाँ, अगर हंसी वाली बात है तो हंसेगा, अगर वो सामान्य मुद्रा में है, अगर कुछ ने उसको बताया हंसा तो उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, यानी उसका बिहेवियर चेंज हुआ, यही इसका प्रोसेस है। अगला है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बींग अंडरस्टैंड बाई द रिसीवर। देखिए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो संप्रेषण है वो सूचनाओं का आदान प्रदान है फ्रॉम द सेंडर स्रोत यानी जो भेजता है उसके यहाँ से टू रिसीवर जो ग्रहण करता है उसके पास। द इंफॉर्मेशन सूचना है जो है बींग अंडरस्टैंड बाई द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव करता है वो सूचना जो है, जो इन्फॉर्मेशन उसको समझता है। अगर वो नहीं समझेगा, यानी कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो जो हमारा कम्युनिकेशन है संप्रेषण वो टूट जाएगा। यानी कि अगर सतत अगर कम्युनिकेशन कराना है, कंटिन्यू करना है, तो जो रिसीवर है उसको
जो इन्फॉर्मेशन उसको समझ में आनी चाहिए। ये है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण जो है इसमें हमने तीन तीन टॉपिक को पढ़ना है, इसको हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार और देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा का कम्युनिकेट सबसे बना है। और इसकी दो परिभाषाएँ ये हो, एमरे के बारे में मैंने बता दिया कि एमरे महोदय ने कहा था कि संप्रेषण जो है वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करने की कला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आइए देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने देखिए इस प्रकार से चार्ट बना दिया है। अगर आप इस प्रकार से चार्ट आप अपने कॉपी में लिखेंगे या बनाएंगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, जो जांचने वाले होते हैं उनके ऊपर पड़ेगा। पहली बात यह कि एक तो थोड़ा सा जगह छेक ले लेगा, कॉपी आधी तो ऐसे ही भर जाएगी। दूसरी बात, अगर वो ऐसे पेज पलट भी रहे हैं तो एकाएक उनका ध्यान यहाँ पर आएगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा खाली है, मतलब ध्यान उनका आकर्षित हो सकता है। तो आप इसको बना सकते हैं अपने एग्जाम में। इसमें देखिए क्या है कि इसमें स्रोत एक है, स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम और बाधक तत्व प्राप्तकर्ता, संप्रेषण के मीडियम, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जो संप्रेषण जो हमारा ये टॉपिक है कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट में अगर नहीं तो फुल में ज़रूर पूछेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। और ये जो संप्रेषण जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमारा सिलेबस कट गया है इसलिए थोड़ा सा सिर्फ तीन ही जो उसमें का टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड है। इसका हायर एजुकेशन में तो पूरा एक दिया गया है, हायर एजुकेशन में अगर नेट की अगर परीक्षा देंगे तो उसमें आईसीटी के क्षेत्र, आईसीटी के सेक्शन में संप्रेषण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पहले ये है क्या। देखिए पहला इसमें देखिए सोर्स, पहला सोर्स दिया है, फिर इसमें आगे क्या है, संप्रेषण सामग्री, कम्युनिकेशन मटेरियल, फिर है संप्रेषण माध्यम, कम्युनिकेशन मीडिया, संप्रेषण के बाधक तत्व, बैरियर इन कम्युनिकेशन, फिर है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, और अनुक्रियात्मक व्यवहार पृष्ठपोषण यानी कि रिस्पोंडेंट और बिहेवियर फीडबैक, फिर यहाँ पर है संप्रेषण माध्यम यानी कम्युनिकेशन और संप्रेषण के प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, ये यहाँ तक है। अब इनको हम क्रमशः देखते हैं कि ये सब क्या है। पहला इसमें है संप्रेषण के स्रोत, यानी संप्रेषण के स्रोत कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि जो स्रोत है यानी जो स्रोत है वो तैयार ना हो। यानी जो स्रोत कौन है, स्रोत वो है जो अपने विचारों, भावों को, सूचनाओं को देता है, वो स्रोत है, उसी से निकल रहा है ना, जो उसी के हिसाब वो बोल रहा है तभी कम्युनिकेशन होगा। अगर हम आकर यहाँ पर चुपचाप वैसे शांत रहेंगे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो मैं स्रोत हूँ, इसलिए यहाँ पर लिया है संप्रेषण के स्रोत में। पहला है संप्रेषण के स्रोत, मेरे द्वारा जो विचार, भाव, सूचना आपको पहुँचेगी तभी हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, संप्रेषण का आदान प्रदान हो तभी हो पाएगा। ठीक, अगला है कि संप्रेषण सामग्री यानी कि कम्युनिकेशन मटेरियल। कम्युनिकेशन मटेरियल में ये है कि जो स्रोत जो होता है, जो विचार, भाव और अनुभव जो होता है, जो है यानी हम जो हैं, जो अपने विचार और भाव के समझ जो रख रहे हैं, किस प्रकार से प्रेषित कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन मटेरियल में आता है। ठीक, अगला है कि संप्रेषण सामग्री, ये हो गया संप्रेषण माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें हम जो विचार दूसरों को पहुंचाते हैं, ठीक, और जो पहुंचाते हैं किस प्रकार से पहुंचाते हैं, यानी कि किसी को पहुंचाना है कोई भी बात अगर कहनी है, जो साधन का प्रयोग करते हैं वही हमारा माध्यम है। ठीक, अब ये माध्यम कौन से हो सकते हैं, ये माध्यम हमारे शाब्दिक, वर्बल, अशाब्दिक, नॉन वर्बल, रिटेन, ये भी हो सकता है। ठीक, शाब्दिक मतलब मुंह से बोलकर भी होता है, अशाब्दिक मतलब इधर से करके अगर सर हिला रहे हैं तब भी हो सकता है, और लिखित यानी रिटेन कर रहे हैं तभी का संप्रेषण हो सकता है। तो ये आते हैं हमारे संप्रेषण माध्यम में। अगला है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। देखिए जो रिसीवर जो है ये एक, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे कम्युनिकेशन में। देखिए कम्युनिकेशन तब तक अच्छी तरीके से नहीं चलेगा जब तक कि रिसीवर को समझ में नहीं आए, यानी कि जो विचार, भाव जो वो ग्रहण करता है वो रिसीवर कहलाता है। ठीक, और जो कम्युनिकेशन
यानी संप्रेषण की जो प्रभावशीलता है वो इसके रुचि अभिरुचि योग्यता पर ही आधारित होती है। इसका प्रभाव हमारे संप्रेषण की प्रभावशीलता पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई बात अगर बता रहे हैं, ठीक, अगर उसके रुचि से यानी उसके इंटरेस्ट से अलग से बात है, सुन तो रहा होगा, ठीक है, अगर आपकी इज्जत कर रहा सुन रहा होगा, लेकिन वो मन से अच्छे से नहीं ग्रहण कर रहा होगा, तो वहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रभावशील नहीं रहती है। ठीक है, तो जो हमारा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो होता है, इसी की रुचि योग्यता इंटरेस्ट पर ही हमारा संप्रेषण कम्युनिकेशन जो है वो आधारित होती है, यानी उसी पर संप्रेषण की प्रभावशीलता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगला है हमारा पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। फीडबैक जो होता है, जो हम जो मटेरियल बोलते हैं, जो संप्रेषित सामग्री प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर ग्रहण करता है, ठीक है, और जो ग्रहण कर लिया उसके प्रति वो क्या अनुक्रिया कर रहा है, क्या वो बोल रहा है, ठीक, मैंने उसको बता दिया, अगर वो अनुक्रिया कर रहा है, मुझे फीडबैक दे रहा है, तो वो फीडबैक कहलाता है। यानी कि जो कोई भी अनुक्रिया कर रहा है, अगर मैंने किसी चीज़ किसी लड़के को मैंने ये बात बताई, अगर वो उसका जवाब दिया यानी कि उसके बारे में कुछ बताया, तो वो मुझे फीडबैक मिला कि हाँ उसको समझ में आ गया। अगर मैंने बताया, छोटे बच्चा है अभी कोई भी है, मैंने उसको बताया कि देखिए ये ऐसे होता है, तो उसने बताया कि हाँ ये ऐसे होता है, मुझे फीडबैक मिला कि हाँ इसको ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये रहा पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। अगला है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, ये जो लास्ट है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं इनको देखिए ऐसे मान सकते हैं कि ये दो प्रकार से प्रभावित होता है। पहला सफलता असफलता, यानी कि जो संप्रेषण हम कर रहे हैं सफल है तब भी उस कम्युनिकेशन जो है हमारा प्रभावित होगा, असफल है तब भी प्रभावित होगा। सफल है तो इसका मतलब हाँ ठीक है, हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक जा रहा है, तो उसको हम किसी भी वे में जा सकते हैं। अगर असफल हो रहा है तो इसका मतलब नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। और उसमें एक आता है सहायक तत्व, में सहायक भी आता है बाधक भी आता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ ऐसे होती है, अगर सेम चीज़ अगर आ गई तो वो मेरे लिए सहायक हो गई, तो बता दे कि अरे यही तो हम बता रहे थे इसी के बारे में, तो वो सहायक हो गई। और कुछ बाधक चीज़ें भी होती हैं कि शोर हो रहा है या फिर कोई और भी चीज़ें होती हैं जो बाधक के रूप में हो सकती है, ठीक। तो ये है संप्रेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में संप्रेषण प्रक्रिया के घटक यानी कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। अगला है कि हमारा शिक्षण अधिगम में संप्रेषण प्रक्रिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। देखिए इसमें पहला है प्रेषक यानी सेंडर। जो सेंडर होता है यानी संदेश देने वाला प्रेषक कहलाता है, ठीक। संचार का प्रभावी होना स्रोत की कुशलता पर निर्भर करता है। स्रोत यानी जो सेंटर है वही, उसी की कुशलता पर जो है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो निर्भर करता है। यानी कि किसी कक्षा में है शिक्षक जो होता है वो सेंडर होता है, वो सूचना देता है, ठीक। तो वो सूचना हो गया, और उसकी जो संचार यानी कम्युनिकेशन जो बच्चों के साथ करेगा उसका प्रभावी कुशलता पर निर्भर करता है। यानी उसकी जो प्रभावशीलता है वो किस प्रकार से बच्चों को बता रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं, ठीक। तो यानी कम्युनिकेशन जो अच्छे ढंग से होगी कब होगी, जब टीचर या जो बताने वाला होगा वो कुशल होगा। कुछ होते हैं ना जो टीचर पढ़ाते रहते हैं, बोरिंग क्लास होती है, बच्चे सो जाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जितने अच्छे तरीके से बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं अपना जो विचार सूचना जो देते हैं, बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से लेते हैं और सारे क्लास पूरी क्लास लेते हैं, ठीक। तो ये रहा प्रेषक यानी सेंडर। अगला है संदेश यानी मैसेज। संप्रेषण करते समय जो जानकारी या विचार साझा किए जाते हैं वो संदेश कहलाते हैं, ठीक। यानी कि जो हम बता रहे हैं ये संदेश है। कोई भी टीचर है, आप हो, आपके अपने दोस्त को अगर कुछ बता रहे हैं तो वो मैसेज है। संदेश यानी मैसेज भेजते हैं ना आप लोग, ठीक, वही है। देखिए संदेश जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, मैसेज जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। आप किसी को मैसेज भी कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर काम या फिर कुछ भी गलती हो गई, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है उसके बताने के लिए कि संदेश को क्यों स्पष्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोलते समय भी हम लोग जो अल्प विराम लेते हैं
वहाँ भी संदेश जो अगर किसी को बोल रहे हैं, अगर हम नहीं रुके या अल्पविराम फुल स्टॉप जो होता है उसका ध्यान नहीं दिए, तो वहाँ पर संदेश का जो होता है गलत अर्थ निकल जाता है। यहाँ लिखे लिखा है कि रोको मत, नहीं रोको मत जाने दो, जो कॉमा लिखा है यानी रोको मत जाने दो, और यहाँ लिखा है रोको मत जाने दो, ठीक। तो ये कॉमा है, इसी के चलते देखिए यहाँ पर जो संदेश जो है इसका कोई और मतलब हो गया और यहाँ पर कोई और मतलब हो गया। कोई जा रहा है, आपने उसको बोल दिया रोको मत जाने दो, यहाँ तो लिखा है, अगर बोलेंगे आप मुंह से बोलेंगे तो रोको मत जाने दो, अब सामने वाला इंसान बिगड़ जाएगा कि उसने मुझे रोक दिया, ऐसे कैसे कर सकता है, उसको तमीज़ नहीं है। और यहाँ पर दिया है रोको मत जाने दो, मतलब जाने दो, ये अभी VIP है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको जाने दो, ठीक। तो यही है संदेश यानी मैसेज, इस जो संदेश है जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगला है माध्यम यानी चैनल। माध्यम संदेश के वाहक होते हैं, ठीक, जो स्रोत से श्रोता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में भाषा या शब्द माध्यम का कार्य करते हैं, ठीक। जो भाषा या शब्द जो होता है वो दो या अधिक व्यक्तियों का माध्यम होता है, यानी जो मुंह से बोल रहे हैं ये माध्यम है, लिखित भी दे रहे हैं वो भी माध्यम है, लिखित भी होता है ना माध्यम, माध्यम होता है वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार से होता है, ठीक। तो ये होता है कि वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भाषा या शब्द माध्यम का कार्य करते हैं। ये संप्रेषण प्रभावी होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण जो वो कब प्रभावी होगा, कब इफेक्टिव होगा, अगर जो जो माध्यम है वो अच्छा होगा, ठीक। अगला है हमारा श्रोता यानी कि रिसीवर। जिस व्यक्ति को अपनी बात पहुंचानी होती है उसे श्रोता कहते हैं, यानी कि हमको अपनी हमको जो अपनी बात है आपकी तरफ पहुंचानी है, आप श्रोता हो गए। टीचर है, कोई बात बोल रहा है, सामने जो बैठा है वो श्रोता हो गया, ठीक। कोई भी नेता हो, भीड़ जनता को संबोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो वो लोग श्रोता हो गए। तो ये है श्रोता यानी रिसीवर जो संदेश ग्रहण करता है, ठीक। तो ये रहा हमारा संप्रेषण का सेकेंड टॉपिक, सेकेंड वाला यानी शिक्षण अधिगम में संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। अगला जो हमारा लास्ट है उसमें वो दिया है कि संप्रेषण जो है उसको शैक्षिक तकनीकी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा हम अपने कक्षा कक्ष में किस प्रकार से इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है शैक्षिक तकनीकी। अगला हमारा है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण को सुनिश्चित करना। देखिए संप्रेषण तो ऐसे नॉर्मली होगा, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करें, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करें, और उसी को लेकर यानी कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन को हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे कर सकते हैं, यानी और ज़्यादा प्रभावशील कैसे करते हैं, और ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाए क्लासरूम को अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। देखिए इसमें है श्रव्य माध्यम, हम श्रव्य माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बोलते जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे बोले ना कि बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा प्रयोग कर अगर रेडियो टेप रिकॉर्डर के द्वारा अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, अब तो रेडियो पर बहुत बहुत सारी कार्यक्रम आ रहे हैं समय समय पर, प्राइमरी स्कूल में सुना जा रहा है, कोई एक टाइम 12-1 बजे के लगभग कोई टाइम बना दिया गया है जिस पर एक कार्यक्रम आता है, सभी बच्चे उसको सुनते रहते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो ये जो हमारा है श्रव्य माध्यम वो कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, टीचर भी वो चाहे टेप रिकॉर्डर के द्वारा कोई भी आवाज़ हो, अच्छी आवाज़ हो, उसको रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं बच्चों को, और वो अपना जो कम्युनिकेशन है उसको और बेहतरीन कर सकता है। क्या इसमें देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग आ गया ना, तो इसीलिए संप्रेषण में टेक्नोलॉजी को लाया गया है। अगला है दृश्य माध्यम यानी विजुअल मीडिया। विजुअल मीडिया में हमारे क्या आता है, ग्राफ, चित्र, मॉडल, आकृति हो गया, कोई भी स्लाइड्स है बता रहे हैं, बच्चों को ऐसे बता रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, ऑडियो से भी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको दिखा देंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा, अगर उसको दिखा देंगे ग्लोब, दिखा देंगे ग्लोब, बता रहे हैं ग्लोब, दिखा देंगे कोई भी चीज़, अगर कोई पक्षी बता रहे हैं तो अगर पक्षी को बता देंगे तो वो उसको और इस तरीके से समझ पाएगा, ठीक। अगला है हमारा श्रव्य दृश्य माध्यम यानी कि ऑडियो विजुअल मीडिया। ये जो हमारा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की पूरी जान है, यही है, इसी के लिए पूरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया है। इसमें क्या क्या आता है, टीवी, VCR यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड हो गया, यानी कि यहाँ सुनते थे बच्चे और यहाँ पर देख पाते थे,
अब यहाँ पर क्या है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इसलिए उनकी सारी ज्ञान इंद्रियाँ सक्रिय रहती है। इसके द्वारा और अच्छी तरीके से ज्ञान होता है और जो टीचर होता है वो अपना कम्युनिकेशन सप्रेशन और अच्छी तरीके से बच्चों के तक पहुँचा पाता है। टीवी लगा दिया, VCR यानी कि प्रोजेक्टर लगा दिया, स्मार्ट बोर्ड पर चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो बताते जा रहा है, एक तरह से आवाज़ भी सुनाई दे रही है, बता भी रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण जो होता है, लर्निंग जो होता है वो बच्चों का अच्छा से होता है। अगला है हमारा, इसमें आता है यानी संप्रेषण में जन समूह माध्यम यानी कि मास मीडिया। मास मीडिया में हम पत्रिकाएँ पुस्तकें और इंटरनेट को रखते हैं। देखिए पत्रिकाएँ पुस्तकें इंटरनेट, इसके द्वारा जो होता है वो ये हमारा मास मीडिया के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसका ये थोड़ा सा डिफेक्ट क्या है कि इसमें पृष्ठ पोषण जो होता है बहुत लेट मिलता है, यानी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ये मास इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे हमको पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक जो मिलता है वो लेट मिलता है, आप कमेंट करते तब मिलता है। पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं, अगर कोई कमेंट करना है उसको तो उसको लिखना पड़ेगा, तब वो प्रेषक के पास जाएगा तो वो अपना अगली बार सुधार करेंगे। ये जो होता है वो मोस्टली एक मार्गी होता है, यानी वन वे होता है, यानी जो होता है हम अब बताते जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ आ रहा है तो कोई टाइप बात नहीं, लेकिन इंटरनेट है इसलिए आप इसको कुछ देर के बाद आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन यानी कि आज का जो संप्रेषण जो है ये टॉपिक यूनिट 3 का पहला आज वीडियो बना है, इसमें कि हमने 3 चीज़ बताया है और से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की होती है, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस वो कट गया है इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।